हेलो दोस्तों, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आया हूं और जो आपके पेपर में 100% आने वाला है ना। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम का ले लीजिए, चाहे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 ले लीजिए, या फिर आगे फर्दर कॉलेज में ले लीजिए, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामों में ले लीजिए। तो ये 100% है, बल्कि 110% गारंटी दे रहा हूँ कि ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नो सूनर कंजेंशन का यूज़ बताने वाले हैं, नो सूनर देन का, है ना। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये नो सूनर है ना। नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है ना। नो सूनर भैया है तो देन क्या हो गई, आपकी भाभी। तो नो सूनर के साथ हमेशा देन, अगर ये भैया नो सूनर तो भाभी देन, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक। तो ये नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा, देन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज कि नो सूनर का उपयोग कैसे करते हैं। और जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में आता है, उसी तरह सेम टू सेम पैटर्न में है। आप एक बार देखेंगे और इसके बाद आप हजारों क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो आप देखिए अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं नो सूनर की, ये भैया तो ये भाभी देन हो गया, है ना, ये भूलेंगे नहीं। इसके बाद सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव। क्या होगा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा तो डिड होगा, हैड जहाँ लगे तो हैड आ जाएगा, डू आ जाएगा और डस आ जाएगा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। इसके बाद क्या, डिड है, डू है और डज है, तो क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं इन्वर्जन, और हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये है, ठीक। तो अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ कि एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। बोर्ड है कि जैसे ही क्लास में टीचर एंटर किए तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या हो गए, खड़े हो गए, है ना। जैसे आप कोई टीचर आता है तो आप, जैसे ही टीचर आता है तो आप खड़े हो जाते हैं ना, उनका आभार स्वीकार करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो इसी तरह। तो अब इसको आज हमको चेंज करना है नो सूनर, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखें, बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए हमको एज सून एज को हटाना और क्या लगाना है, नो सूनर। ये आंसर है, क्या लगाना है, नो सूनर, नो सूनर, ठीक, नो सूनर लगा दिए। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव। तो देख लीजिए सबसे पहले वर्ब कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है एंटर्ड, तो हमारे पास क्या आएगा, डिड, तो क्या आ जाएगा, नो सूनर डिड। फिर ये आ जाएगा कि द टीचर, टीचर, फिर क्या आ जाएगा, नो सूनर डिड द टीचर। अब डिड लगा है तो क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, एंटर, एंटर क्या होगा, एंटर, ठीक। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास, क्या हो जाएगा, द क्लास, और ये कॉमा लगा है तो यहाँ सेकेंड सेंटेंस शुरू होता है, तो हमें क्या लगाना है, देन, क्या लगाना है, देन। फिर क्या लगा है, अब सेम सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट था, है ना, स्टूड है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख दीजिए देन ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, क्या हो जाएगा, स्टूड अप, ठीक। ये बहुत ही ईजी है, देख लीजिए सेम पैटर्न में आएगा। चलिए इसके कुछ हम क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, तो आप फटाफट इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, फर्स्ट तो बता दिया आपको, सेकेंड है, फिर से समझिए, नो सूनर, नो सूनर कौन, भैया जी, तो भाभी कौन, देन, ठीक। इसके बाद सेंटेंस हमेशा क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव में रहेगा, डिड है, डू, डस, है ना, इन्वर्सन जिसे बोलते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या आता है, पहले आते हैं फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर डिड डू डस के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं, हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, अगर आप टेंस पढ़े होंगे। सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एज सून एज द रैट्स सी द कैट दे रन अवे। बोला कि जैसे ही कैट किसको देखी, रैट्स को देखे, चूहे को देखी बिल्ली, तो उनके पीछे क्या करने लगी, दे रन अवे, है ना, और वो भागने लगे, तो क्या हो जाएगा इसमें, है ना, आपके लिए आंसर ये है। सबसे पहले एज सून एज को हटाना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नो सूनर, क्या आ जाएगा, नो सूनर।
फिर देखिए नो सूनर के साथ आप देखिए रेड्स है, तो रेड्स है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए सॉरी सी है ना, तो सी है तो क्या आ जाएगा इसमें डू, क्या आ जाएगा नो सूनर डू, है ना। अब ये देखो सी है तो क्या आ गया डू, तो नो सूनर डू द रेड्स क्या आ जाएगा द रेड्स, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सी, नो सूनर डू द रेड्स सी द कैट। अब हमारी भाभी जी कौन है, देन, तो देन को लगाइए देन, फिर सेकेंड सेंटेंस फर्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है देन दे रन अवे, क्या हो जाएगा रन अवे। अब देख लीजिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एज सून एज द बेल रिंग्स द बॉय रन आउट, है ना, जैसे ही घंटी बजी और लड़के क्या हो गए, लड़के बाहर निकल गए, तो एज सून एज को हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नो सूनर, क्या आ जाएगा नो सूनर। अब देख लीजिए नो सूनर, अब रिंग्स है, रिंग्स है तो क्या आ जाएगा डस, क्या आ जाएगा डस, है ना, डू डस कब लगता है, जैसे इसमें यस लगा रहता तो डस हो जाता, अब इसमें यस लगा तो डस, इसमें कुछ नहीं लगा तो डू, अगर बर्फ का सेकेंड फॉर्म तो डीड, ठीक, तो नो सूनर फिर क्या आ जाएगा डस, फिर ये आएगा डस द बेल, अब रिंग्स का क्या हो जाएगा रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिंग, तो नो सूनर डस द बेल रिंग, अब क्या कौन आएगा भाभी जी आएगी, देन देन द बॉय रन आउट, क्या हो जाएगा देन द बॉय रन आउट। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए है ना, और अच्छे से समझिए, ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में पहले ही करा दिया, मतलब तीन क्वेश्चन करा दिया, और एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दूंगा, तो आप उसको सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क में है, ठीक, तो देख लीजिए 4 क्वेश्चन है एज सून एज द टीचर एंटर्स द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप, और 5th नंबर है एज सून एज ही कम्स हिज चिल्ड्रेन क्लिंग टू नीस, ठीक। तो अब यही है कि आप इनको होमवर्क करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।